अब यहाँ कुछ जो मिस्टेक हो गई थी, हमने जो आपको पहली वाली मैगजीन पढ़ाई है ना, मे टू जैन वाली 2021 की, PT 365, उसमें जो मिस्टेक्स है वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। समझ लीजिए, आर्टिकल 1.1 जो वहाँ दिया है उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की जो वहाँ पे बात करी है ना, एक इन्फोग्राफिक दिया हुआ है वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में, इसका टाइटल है इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो ईयर दिया है शंकरी प्रसाद केस का, वो वहाँ पे 1961 दिया है ना, वो जो करेक्ट ईयर है वो 1951 है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद वहाँ पे एक आर्टिकल नंबर 3.2 दिया हुआ है, इसके अंदर बोरिंग पार्ट जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की है, उसमें एक इन्फोग्राफिक है जिसका टाइटल है बोरिंग पावर और सेंटर एंड द स्टेट्स। तो वहाँ पे दिया है कि स्टेट बोरिंग पावर जो है वो दी जाती है अंडर 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो करेक्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल है 293, है ना। तो कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। फिर आर्टिकल नंबर 4.2 की बात करूँ, वहाँ पे जो दिया है उसके अंदर जो मैकेनिज्म है इन्वेस्टिगेट करने का चार्जेस को अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, तो एक टेबल बनाया है वहाँ पे, ये मेंशन है कि जो रिमूवल प्रोसीडिंग्स हैं एज पर द आर्टिकल नंबर 124 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें जो है वो ये है कि रिमूवल प्रोसीजर जजेस के लिए ये गाइडेड है बाय आर्टिकल नंबर 124 पार्ट 4, बट डिटेल्ड प्रोसीजर जो है वो पूरी तरह से डिटेल्ड प्रोसीजर मेंशन है जजेस इंक्वायरीज एक्ट 1968 के अंदर। उसके बाद वहाँ आर्टिकल नंबर 8.7 में है इंटरनेट शटडाउन, तो वहाँ जो इन्फोग्राफिक है उसका टाइटल है प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन। वहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ रिव्यू कमेटी एट सेंटर एंड स्टेट लेवल हैज बीन इंटरचेंज, मतलब वहाँ पे जो हुआ क्या है, सेंटर और स्टेट लेवल की जो एक बनी हुई थी पूरी रिव्यू कमेटी के लिए, जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेंटर वाली स्टेट में आ गई थी, स्टेट वाली सेंटर में आ गई थी, ठीक है। तो ऐसे दिया था कुछ रिव्यू कमेटी, तो मैंने भी पढ़ाया है तो उसको जो है हम तुरंत क्षमा मांगते हैं उसके लिए आपसे। तो ये है सेंट्रल लेवल, उसके बाद ये है स्टेट लेवल। तो दोनों को समझ लीजिए कि सेंट्रल लेवल के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स होते हैं और टेली कम्युनिकेशन होते हैं, और स्टेट लेवल पे इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लॉ या लीगल रिमेम्बरेसर इन चार्ज लीगल अफेयर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होते हैं अदर देन द होम सेक्रेटरी। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा तो वहाँ पे सही रहेगा। वैसे मैं इस अलग से वीडियो को उसी प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा उससे कुछ फ़ायदा मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।